हरियाणा बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। संगठन के कामकाज की समीक्षा में जुटे हैं ओम प्रकाश धनखड़। रोहतक में सभी जिला अध्यक्षों से समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रभारी और प्रकोष्ठ विभाग अध्यक्षों की भी समीक्षा बैठक लेंगे। आगामी रोड मैप तय करेंगे ओम प्रकाश धनखड़। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बीजेपी के तीन प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि कल पंचकुला में की गई थी कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक और इस बीच तैयारियां तेज हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगामी चुनाव को देखते हुए। हमारे रोहतक से ब्यूरो हेड देवेंद्र उदांगी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से तमाम जानकारी हासिल करेंगे। देवेंद्र, संगठन के कामकाज की समीक्षा में बड़ी शिद्दत से जुट गए हैं ओम प्रकाश धनखड़। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और अब रोहतक में भी उनकी कारकर्दगी आगे बढ़ने वाली है, यानी कि चुनाव को देखते हुए अभी से काफी गंभीरता से काफी संजीदगी से भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। देवेंद्र जी, बिल्कुल ममता जी ने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि अभी से तैयारी में जुट गए हैं और इसी सिलसिले में कल पंचकुला में मीटिंग थी, आज रोहतक में। ये जिला भर अलग अलग जगह पर मीटिंग की ये शेड्यूल तय किया गया है। आज रोहतक में जो मीटिंग होगी वो सभी 22 जिलों के जिला अध्यक्ष उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जो है खुद ये मीटिंग लेंगे और इसमें जो है वो आगामी रोड मैप के बारे में जानकारी दी जाएगी और किस तरह से जो आखिरी आदमी जो है वहां तक कनेक्ट किया जा सके पार्टी को, इस तरह की तमाम बातों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। खास बात यह है ममता जी की इससे जो ये मीटिंग है ये दो शेड्यूल में होगी, एक मॉर्निंग सेशन रखा गया है, एक इवनिंग सेशन रखा गया है आफ्टर लंच। तो जो सुबह की बात है प्रदेश महामंत्री होंगे, संगठन मंत्री होंगे और सभी जिलों के अध्यक्ष होंगे, और जो दोपहर बाद जो मीटिंग होगी उसमें सभी जिलों के प्रभारी होंगे। ये शेड्यूल है आज का और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश धनखड़ अपने पूरी लगन से और पूरे एक बाकायदा योजना बनाकर जो है इस काम में जुट गए। जी,